गाइस क्या होगा जब एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे फॉइल पेपर को बार बार मोड़ करके रखा जाएगा? क्या ये फॉइल पेपर ठोस लोहे की तरह हो जाएगा? और अगर खोलते हुए लावा को आईफोन के ऊपर डाल दिया जाए तो इस आईफोन का क्या हाल होगा? और गाइस जब लेजर लाइट को फोन के कैमरे के ऊपर फोकस किया जाए तो उस फोन के कैमरे का क्या होगा, उसे देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। गाइस हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में तो हम में से बहुत सारे लोग जानते ही हैं, जिसमें अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कुछ भी रख देते हैं तो ये उसको चपटा कर देती है। ऐसे ही क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एल्यूमिनियम पेपर को रखा जाएगा? तो गाइस सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इन सीडी कैसेट्स के 20 पीसेस को रखा गया, और फिर उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस से इनके ऊपर प्रेशर लगाया गया तो उसके बाद कई किलो वजन लगाने के बाद ये कैसेट्स बीच में से टूटने लगती हैं। और फिर उसके बाद जब इन सारी कैसेट्स को उठाकर देखा जाता है तो इनमें से एक भी कैसेट ऐसी नहीं थी जिसे फिर से यूज किया जा सके। ये सारी की सारी कैसेट्स हाई प्रेशर की वजह से एक दूसरे में चिपक जाती हैं और इनकी कोर्स तो पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे सीडी के 80 पीसेस को रखा गया, उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन सभी सीडियों को दबाया गया तो ये सारी की सारी सीडी हाई प्रेशर की वजह से दब तो जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से ये सीडियां बीच में से टूटने लगती हैं और बहुत सारी कैसेट के कोर्स में तो क्रैक्स भी आने लगते हैं। और फिर इसके बाद जब फाइनली इन कैसेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डाल दिया जाता है तो फिर तो ये सारी की सारी 80 कैसेट्स बीच में से ही टूट जाती हैं और इनमें से कोई भी ऐसी कैसेट नहीं बची जो चलाने लायक हो। और गाइस इसके अलावा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे गोल्फ बॉल को रखा गया तो इस गोल्फ बॉल के ऊपर प्रेशर लगते ही ये फट जाती है, और फिर इसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनका यूज इस बॉल को बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर से निकलने वाले मटेरियल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि इस बॉल के अंदर से रुई निकली हो। अब गाइस जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हॉकी बॉल को रखा गया तो ये हॉकी बॉल इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है कि अगर आप इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा देंगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आज इसे हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रख कर देखते हैं कि इसका क्या हाल होगा। तो गाइस इस बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखने के बाद जब इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये बॉल इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी कि ये इस थ्रेडिंग मशीन के चारों तरफ से ये बॉल निकल जाती है, लेकिन ये बॉल इस थ्रेडिंग मशीन के नीचे फटती नहीं है। अब गाइस जब बेस बॉल को इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो फिर हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर लगते ही इस बॉल का एक एक धागा ऐसे फटता है जो कि ये बाकायदा में देखने के लायक होता है। इस बॉल के अंदर की सारी चीजें निकल कर बाहर आ जाती हैं और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख ही रहे हैं। अब गाइस जब इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एल्यूमिनियम पेपर की एक बड़ी सी बॉल को बनाकर रखा गया, जिसके बाद इसके ऊपर प्रेशर लगाने के बाद ये बॉल बहुत ही जल्दी दबती चली जाती है, और फिर उसके बाद इसी फॉइल पेपर को मोड़कर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे फिर से रख दिया जाता है, जिसके बाद इस एल्यूमिनियम पेपर के ऊपर प्रेशर लगते ही ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही बार बार मोड़कर इस एल्यूमिनियम पेपर को कई बार हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसमें हथौड़ी मारने पर तो इसके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है। अब गाइस नेक्स्ट है लेजर एक्सपेरिमेंट। गाइस इस लेजर के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये लेजर लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप इसे किसी भी चीज के ऊपर फोकस कर देते हैं तो ये उसे जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही जब इसी लेजर को टॉयलेट पेपर के बंडल के ऊपर फोकस किया गया तो ये लेजर लाइट टॉयलेट पेपर के बंडल में छेद कर देती है और इससे निकलने वाली रोशनी बंडल के आर पार हो जाती है। ऐसे ही जब इस टॉयलेट पेपर के आगे एक माचिस की तीली को लगाया गया तो ये लेजर लाइट इस बंडल में छेद करती हुई सीधा इस माचिस की तीली में जाके लगती है, जिसके बाद इस माचिस की तीली में भी आग लग जाती है। अब गाइस जब ये एक लेजर लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा जब तीन तीन लेजर लाइट्स को फोकस करके एक कैमरे के फोन के ऊपर लगाया जाएगा? तो गाइस जैसे ही इस लेजर लाइट के आगे फोन के कैमरे को किया गया तो गाइस फर्स्ट टाइम में तो फोन के कैमरे के आगे एक बड़ा सा धब्बा बन जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में इस फोन का कैमरा ही खराब हो जाता है, जिसके बाद इसका कैमरा बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं बचता है। अब जब इन्हीं लेजर लाइट्स को फोन की डिस्प्ले के ऊपर फोकस किया जाता है तो इस फोन की डिस्प्ले के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर कुछ समय तक और इस लेजर लाइट को फोन के ऊपर ही फोकस करा हुआ छोड़ दिया जाता तो शायद ये लेजर लाइट फोन के अंदर ही छेद कर देती। अब गाइस नेक्स्ट है लावा वर्सेस ब्लड प्रूफ ग्लास। गाइस ये ब्लड प्रूफ ग्लास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके ऊपर अगर आप ब्लड से भी फायर करते हैं तो भी इसका कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तब क्या होगा जब इसी ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर खोलता हुआ लावा डाल दिया जाएगा? तो गाइस सबसे पहले इस लावा को नॉर्मल विंडो ग्लास के ऊपर डाला गया तो उसके बाद इस ग्लास के ऊपर लावा गिरते ही ये ग्लास पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही जब इस
खोलते हुए लावा को एक ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला जाता है। तो सबसे पहले तो इस ग्लास के ऊपर की लेयर जलती रहती है, लेकिन नीचे से इस ग्लास के ऊपर एक भी क्रैक नहीं आता है। और फिर जब तक ये खोलता हुआ लावा जलता रहता है, तब तक ये लावा इस ब्लड प्रूफ ग्लास को जलाता ही रहता है। लेकिन बहुत समय तक तो इस लावा का ग्लास के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये ग्लास पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ये ग्लास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने जलने में भी बहुत सारा समय लिया। अब गाइस, जब खोलते हुए लावा को आईफोन के ऊपर डाला गया तो लावा के गिरते ही ये आईफोन कुछ ही सेकंड्स में जलना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद इस आईफोन की बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है। अब गाइस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है श्रेडिंग मशीन वर्सेस बबल रैप। तो गाइस, सबसे पहले इस श्रेडिंग मशीन के अंदर इस छोटी सी कार को डाला गया, जो कि इस श्रेडिंग मशीन की फास्ट स्पीड की वजह से इससे बाहर निकलकर गिर जाती है। लेकिन जब दूसरी बार इस टॉय कार को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, तो ये टॉय कार इतनी तेजी से टूट जाती है कि इसके सारे पुर्जे अलग अलग हो जाते हैं। और फिर जब इस फॉर्म को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, तो ये फॉर्म भी बड़े ही आराम से कटती चली जाती है। और फिर उसके बाद जब इस रैकेट को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, तो ये रैकेट भी इसमें मक्खन की तरह कटता चला जाता है। और फिर फाइनली जब इसी फास्ट श्रेडिंग मशीन के अंदर बबल रैप को डाला जाता है, तो इसकी हाई स्पीड होने की वजह से ये बबल रैप बहुत ही तेजी से इस श्रेडिंग मशीन के अंदर जाने लगता है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े मशीन के नीचे ही जमा होने लगते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट है बफल आयरन वर्सेस गमी वाटरमेलन। गाइस, अब एक बफल आयरन के ऊपर गमी वाटरमेलन को रखा जाता है, तो ये देखने में ही इतना ज्यादा यमी लग रहा होता है, तो जब ये हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके बाद इस गमी का क्या हाल होगा। तो इस बफल आयरन को गर्म करने के बाद ये गमी वाटरमेलन मेल्ट होने लगता है, और फिर उसके बाद ये मेल्ट होने के बाद आयरन के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।